सीहोर रेलवे स्टेशन उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। स्टेशन पर प्रयागराज, इंदौर पटना, इंदौर हावड़ा, अहमदाबाद गोरखपुर, शिप्रा एक्सप्रेस, इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, तो वहीं यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टेशन के दोनों प्लेटफार्म पर बोगी नंबर स्क्रीन नहीं लगाई गई है। एकल टिकट खिड़की के कारण भी यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। सर्व सुविधा युक्त शौचालय भी नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण महिला यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। यात्रियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की कमियों को दूर करने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय पासवानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा नेता नौशाद खान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चर्च गेट बॉम्बे पहुंचकर जनता की ओर से रेलवे के जनरल मैनेजर को ज्ञापन दिया है, जिसमें सीहोर स्टेशन से गुजरने वाली प्रयागराज, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, इंदौर पटना, इंदौर हावड़ा, अहमदाबाद गोरखपुर, शिप्रा एक्सप्रेस, इंदौर हावड़ा ट्रेनों का स्टॉपेज सीहोर रेलवे स्टेशन पर किए जाने, कोरोना काल से रुकी ही ट्रेन ओवरनाइट जबलपुर इंदौर को पुनः स्टॉपेज देने, सर्व सुविधा युक्त शौचालय बनाने, सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, दोनों प्लेटफार्मों पर बोगी नंबर स्क्रीन लगाए जाने, यात्रियों की सुविधाओं के लिए डबल खिड़की टिकट के लिए संचालित किए जाने सहित अन्य मांगे की गई हैं। रेलवे का जो भारत का सबसे बड़ा ऑफिस है चर्च गेट पर, जहाँ पर जनरल मैनेजर साहब बैठते हैं, मैं यहाँ से सीहोर से वहाँ पहुँचा और मैंने 5 दिन पहले यहाँ से सूचना दे दी थी कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पर पुलिस बल वगैरह सब साथ रहा और उन्होंने मेरे को उनके पर्सनल सेक्रेटरी साहब से सुशील सिंधे जी से मिलवाया। उन्होंने उस ज्ञापन को लिया और ज्ञापन लेकर उन्होंने ये बताया मेरे को कि प्रयास जारी है सीहोर के लिए, साहब से हम बात करके, क्योंकि साहब दौरे पर हैं, नहीं तो आपकी भेंट साहब से ही करवाते, आप निश्चित रहें यह आपका जो ज्ञापन है ये उन तक ही जाएगा और ये हम बैठ के उनसे चर्चा करेंगे। सीहोर के लिए बहुत लेटर आ चुके हैं वहाँ से आपके, और हम उनके लिए चर्चा करेंगे। दूसरी छोटी मोटी गाड़ियाँ तो वहाँ चालू कर रहे हैं, जैसे स्पेशल ट्रेन भी चालू कर रहा हूँ उज्जैन से आपके भोपाल के लिए, अभी इंटरसिटी भी रोकी गई है, जल्द ही ओवरनाइट का भी काम चल रहा है यहाँ पर रोकने के लिए, और भी जो आपने जो गाड़ियों का दे रखा है हमारे को ज्ञापन में, उन गाड़ियों के लिए भी प्रयास जारी रहेगा और आगे भी हम ये तैयारी करेंगे क्या सीहोर को ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दें। ये मेरी चर्चा हुई वहाँ पे सिंधे जी से और वो बहुत अच्छे ढंग से मेरे से पेश आए, बहुत अच्छे ढंग से बात करी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पासवानदा मुस्लिम महासंघ की तरफ से, मानव अधिकार मंच की तरफ से, रेलवे पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को कि जो अच्छी तरह से बात सुनते हैं, और इसी की कापी मैंने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव जी को भी भेजी है, इसकी कॉपी मैंने जनरल मैनेजर के साथ साथ जो वहाँ के दिल्ली के अंदर जो मंत्री हैं रेल मंत्री उनको भी भेजी है एक कॉपी, और एक कॉपी मैंने आलोक शर्मा जी को भी भेजी है यहाँ पर सांसद जो हैं सीहोर के। तो इन लोगों की तरफ से भी प्रयास जारी है, पर क्या है कि जब मैं वहाँ दिल्ली पहुँचा तो बॉम्बे पहुँचा तो उन्होंने मेरे को पूरी तरह से आश्वासन दिया और मैं वहाँ से संतुष्ट होकर आया हूँ। कौन कौन सी गाड़ियाँ चालू हो जाएंगी अब शहरवासियों को, सीहोरवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है? देखो मैंने उनको 22 गाड़ियों का ज्ञापन दिया है, उसमें से एक बहुत जल्द चालू होने वाली आपकी ओवरनाइट, और दूसरी एक है कि बलसार, और एक शिप्रा, ऐसी 2-3 गाड़ियों का मैंने विशेष तौर पर उनसे बोला है कि ये आप चालू करिए ताकि बड़ी गाड़ियां हैं, और यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी का जो आश्रम है और यहाँ पर लाखों जनता आ रही जा रही है, और जनता को क्या है बहुत परेशानियाँ होती हैं यहाँ स्टेशन के ऊपर, 2-2 दिन 3-3 दिन गाड़ियों के लिए पड़े रहते हैं बेचारे बाहर के श्रद्धालु आन के, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ट्रेन ना होने से। तो मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा ठीक है,
हम जांच भी करवाते हैं। और यहाँ पर जो एक खिड़की है जनरल टिकट के लिए, उसकी भी मैंने मांग करी कि दो खिड़कियाँ की जाएँ, ताकि जो लाइनें बड़ी बड़ी लगती हैं ये ख़त्म हो। और जो कई तो जब गाड़ियाँ आ जाती हैं तो बगैर टिकट बैठ जाते हैं, तो इससे रेलवे को भी नुकसान है। और सही बात भी नहीं है कि आप बगैर टिकट सफ़र करें। तो मैंने ये सारी बातें उन्हें बताई, तो उनको सारी बातों पे गौर करा उन्होंने। और ये बहुत बड़ी समस्या है शहर की, हमारे जो बाहर से श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, उनको अगर यहाँ से नाराज़ होकर जाएँ तो इससे हमारे शहर की बदनामी होती है। तो मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं को कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए और इसमें मदद की जाए गाड़ियों के लिए। और जो अनाप शनाप किराया भाड़ा जो ले रहे हैं ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, और सभी, मतलब मेरे को सामने खबर आई कि उनके मुँह मांगा किराया वसूल किया जाता है, इस पर भी अंकुश लगाया जाए और उन श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिलवाई जाएं। मैं यहाँ के बड़े नेताओं से अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनसे अपील करता हूँ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी अपील करता हूँ कि इस ओर ध्यान दें, सीओ रेलवे स्टेशन के ऊपर।